सब्सक्राइब कीजिए टेक बार को और ज्वाइन कर लो हमारी टेक गैंग को, हम क्वालिटी में लीड रखते हैं। हेलो, मेरा नाम है संजय सर, आप देख रहे हैं टेक बार। हाँ भाई, मेरी थोड़ी सी बियर्ड गायब हो गई है मेरी ही गलती की वजह से। तो होता नहीं, ट्रिमर थोड़ा गलत चला गया था तो इस वजह से ऐसा हुआ। और देखना, जैसी वीडियो बढ़ेगी मेरी दाढ़ी भी बढ़ती जाएगी, जो कि मैंने अलग अलग दिन पे शूट किए हुए हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कि आज कौन कौन से मैं फ़ोन अनबॉक्स करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चीयर्स। तो सबसे पहला फोन है मेरे पास ये मोटरोला का वन पावर, इसको भी अनबॉक्स करते हैं भाई। ये वाला है मेरा रिवीलिंग मूवमेंट। तो ये खोला मैंने बॉक्स को, अंदर हमें देखने को मिल जाता है भाई फोन ऐसे रखा हुआ। थोड़ी सी अलग टाइप की पैकेजिंग है इसमें, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं नोकिया 6.1 प्लस जैसी लगी मेरे को। तो आगे देखते हैं कि हम फ़ोन को निकाल कर कैसे क्या होता है सब कुछ। तो भाई मैंने निकाला ये फ़ोन, जो कि ऑलरेडी कवर में ही आया है, जो कि मैं हटाने वाला हूँ और मुझे इसकी थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी देखनी है। तो अभी के लिए भाई फ़ोन तो कुछ ऐसा दिखता है, आगे चलते हुए आप लोगों को मैं और क्लियरली दिखाऊंगा। अभी के लिए इसको रखते हैं साइड में। तो अब बॉक्स का ये वाला पार्ट को हटाते हैं और नीचे हमें देखने को मिल जाती है थोड़ी बहुत मैनुअल्स, कुछ ऐसी हमें मैनुअल्स देखने को मिल जाती है। चलो मैनुअल्स को रखते हैं साइड में। नीचे हमें देखने को मिल जाता है एक चार्जिंग की ब्रेक और एक हमारी डाटा केबल। डाटा केबल निकाल के देखते हैं कि भाई कौन सी है, टाइप सी है कौन सी। अरे वाह, फाइनली भाई ये टाइप सी हमें देखने को मिला और मैं बहुत खुश होता हूँ यार जब भी टाइप सी केबल हमें देखने को मिलती है। तो भाई यहाँ पे भाई मोटरोला को एक तो थम्सअप मेरी तरफ से। इनफैक्ट यार वायर की क्वालिटी भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, कोई बहुत ही रिजिड सी है। और अब निकालते हैं चार्जिंग ब्रिक को, जो कि क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट करती है। तो भाई ये तो हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर मोटरोला ने ना वायर में कंजूसी किया है ना ही चार्जर में, दोनों ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी के डाले हैं यार। सच में दोबारा से एक और थम्सअप। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज से पहले मोटरोला बहुत ही बेकार से ईयरफोन्स पर डालता था और चार्जर बहुत नॉर्मल था, तो इस बार जो है दोनों की क्वालिटी बढ़ा दी और ईयरफोन्स नहीं दिए, तो ये अच्छी बात लगी यार मेरे को। अब चार्जर के नीचे आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाएगा, ऐसे ही एक पेपर में अपना पैक होकर आता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और मैं आपको ये भी हटा के दिखा देता हूँ, नीचे कुछ भी नहीं है, बस ये केसिंग थी। तो भाई इस सारे सामान को रखते हैं साइड में और फोन को बूट पे लगाते हैं। तो ये है इस फोन की फर्स्ट बूट, तो ऑन करके अभी के लिए छोड़ देते हैं और इस फोन को सेटअप करके मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाई फोन को मैंने सेटअप कर लिया और हमें स्टॉक एंड्रॉइड हमें इसमें देखने को मिलती है, जो कि दिल खुश हो जाता है भाई ये चीज़ देखकर, बहुत ही क्लीन एक्सपीरियंस होता है। और ऐप का लोडिंग टाइम भी बहुत कम है जितना मैंने एक्सपीरियंस किया। तो भाई ये दो चार चीज़ें जो बहुत सही लगी मेरे को इस फोन की। और ऊपर की तरफ आपको एक बड़ा सा नॉच देखने को मिल जाता है, जहाँ पर हमें ईयरपीस देखने को मिल जाता है, कैमरा और थोड़े बहुत सेंसर। तो ये नॉच छोटा हो सकता था। और नीचे की तरफ हमें मोटरोला की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है भाई, जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो फोन में नीचे की तरफ हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके लिए मैं सच में खुश हूँ। और दो हमें सिमेट्रिकल हमें स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, इसमें से एक हमारा माइक के लिए होगा और दूसरा स्पीकर्स के लिए होगा। और ये है बेस्ट पार्ट, हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर के अंदर मोटो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। काश ऐसा ही सेम एप्पल करता तो कितना मजेदार लगता। अभी इस फोन को देखते ही मेरे को सिर्फ एक ही कमी लगी कि यार ये फोन बहुत ज्यादा थिक है। तो ये हैवी भी है ऊपर से और थिक भी है, तो थोड़ा सा ये मेरे को डाउनसाइड लगी इसकी डिजाइन की। मैं आप लोगों को सिम ट्रे खोल के दिखा देता हूं कि हमें इसमें डेडिकेट माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है नहीं, तो भाई हमें मिल जाता है देखने को। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है इस फोन की। तो सिम ट्रे को यार मैं वापस डाल रहा हूँ, बट मेरे को इसमें यही कमी लगी कि फोन बहुत हैवी और थिक है। काश इसका नॉच भी थोड़ा छोटा होता, बट फिर वही है कि यार एक बजट फोन है, बाकी चीजें बहुत अच्छी है इस फोन की। तो बस ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। देखो भाई नॉच वाली बात तो बहुत आसानी से इग्नोर हो सकती है, बट ये फोन थोड़ा सा मेरे को हैवी लगा, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। मैंने अभी एक और चीज देखी, जब मैंने फोन को ऐसे किया तो इसका कैमरा ऑन हो गया, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली मोटरोला ऐसी चीजें डालता रहता है। और फोन को दो बार ऐसे शेक करने से भाई इसकी फ्लैशलाइट भी ऑन हो जाती है, तो मैं वो भी दिखाता हूँ। और इसके बाद सीधा हम स्विच कर जाएंगे सैमसंग गैलेक्सी A7 की अनबॉक्सिंग पे। तो भाई ये करा भाई, हमारे पास नेक्स्ट फोन आ जाता है सैमसंग गैलेक्सी A7। भाई इसको भी अनबॉक्स करना था क्योंकि इसमें ट्रिपल कैमरा था, तो मेरे को ये दोनों फोन इकट्ठे अनबॉक्स करने थे, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों का भी। तो भाई इसको भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मारा एक कट, पहले तो भाई इसका पैकेट हटाना पड़ेगा मेरे को, तो पैकेट हटाते हैं। भाई ये तो इतने में काम नहीं चल रहा है, लगता है पूरा जोर लगाना पड़ेगा। तो ये हट गया हमारा पैकेट, काफ़ी गुस्से में लगता है, हो गया। ये एक और कट, विश्वास करना यार मैं बहुत देर से लगा हुआ हूँ, आप लोगों को कट करके दिखाऊंगा, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको खोलना। तो भाई फाइनली सारे कट खत्म हो गए। ये मैंने निकाला अपना बॉक्स के ऊपर का टॉप का पार्ट और मैंने इसको हटा दिया है। और अब देखते हैं नीचे हमें क्या क्या देखने को मिलता है।
तो क्विक स्टार्ट देखने को मिलती है, हमें चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि 5 वोल्ट और 1.66 एम का है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट नहीं करता है, तो ये बहुत गलत बात लगी मेरे को, चलो कोई नहीं। और हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पे अपनी माइक्रो यूएसबी केबल, चार्जिंग के लिए आपकी कास्ट टाइप सी होता, और यहाँ पर आपको थोड़े से चीप क्वालिटी वाले ईयरफोन्स देखने को मिल जाते हैं, बट आपका काम जरूर चल जाएगा अगर आपको छोटी मोटी फोन कॉल्स लेनी है तो। और एक अलग से पैक करी हुई सिम इजेक्टर टूल, बहुत अच्छे से पैक कर रखी है, पता नहीं इसकी इतनी सिक्योरिटी क्यों है। भाई वापस फोन के ऊपर आते हैं, इसका रैपर हटाता हूँ मैं, ये रैपर हटाया मैंने। चलो भाई अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ओके ओके था, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा था, बट ओके ओके था। एक ये स्टिकर भी हटा देता हूँ, ये हटाया साइड में लगा दिया, तो ये हमें फ़ोन देखने को मिल जाता है। वैसे यहाँ पे ट्रिपल कैमराज अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया है तो, और सामने से भी बहुत अच्छा है फ़ोन दिखने में, काफ़ी अच्छी है फ़ोन की फीलिंग, काफ़ी पतला फ़ोन है। कुछ भी कहो यार, फ़ोन की लुक तो हद से ज़्यादा अच्छी है और ग्लॉसी भी है, और सही बताऊँ तो ओलियोफोबिक कोटिंग अभी तक के मैं देखकर बता सकता हूँ कि काफ़ी अच्छी है। और इस फ़ोन में यार पता है खास क्या है कि हमें इसमें यहाँ पर पावर बटन देखने को मिलता है, और इसी के अंदर हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर है, क्योंकि यहाँ पर बैक साइड में हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर सैमसंग ने बहुत सारी चीज़ें इस फ़ोन में नई नई की है, इसलिए मैं इसको अनबॉक्स करना चाहता था, और बहुत एक्साइटमेंट सी भी थी मेरी फोन को लेकर। ये मैं आप लोगों को सिम ट्रे भी खोल के दिखा देता हूं इसकी, और हमें इसमें देखने को मिल जाता है डेडिकेट माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट, अरे वाह, ट्रिपल हमारा यहां पर देखने को मिल जाता है, तो ट्रिपल कैमरा और ट्रिपल स्लॉट, वाओ। अब इस फोन को मैं फर्स्ट बूट दे देता हूं, तो भाई ये मैंने पावर बटन दबाया और इसमें बैटरी भी है, और इसको मैं इतने बूट के लिए छोड़ देता हूं, सेटअप करके आप लोगों के पास मैं वापस आता हूं। भाई इस फोन को सेटअप होने में थोड़ी सी देर लग रही है, तो मैं इसी वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि इस फोन का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। मैं आप लोगों को सारी बातें फुल रिव्यू में ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे चीजें थोड़ी बहुत टेस्ट करनी पड़ी। अब भाई इसके ट्रिपल कैमरास को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि इनमें से एक वाइड एंगल वाला है, तो भाई बहुत ही अच्छा फोन लग रहा है अभी तक। और ऊपर से मेरे को ये भी देखना है कितना एक्यूरेट है इसका ये पावर बटन, जिसमें हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। तो भाई यहाँ पर सैमसंग ने बहुत कुछ कमाल किया है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फोन को रिव्यू करने के लिए। होप यार आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है तो यार प्लीज लाइक करके मेरे को जरूर बताना, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक गैंग को ज्वाइन कर, हम लोग क्वालिटी रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।